आज हम 2022 का ओ डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक आपको सबको पता है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व क्यों करते हैं जब सॉल्व करते हैं उसमें तीन चीज हमको पता चलता है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं पहला चीज है नंबर वन पॉइंट ये क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट में आता है बाय क्वेश्चन फ्रॉम दुच सब्जेक्ट बायच टॉपिक कौन सा टॉपिक क्वेश्चन आ रहा है नंबर वन नंबर टू क्वेश्चन का परिभाषा क्या है क्वेश्चन का परिभाषा मतलब बेस्ड क्वेश्चन है कि बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन है। number number है? है? है, नंबर नंबर पॉइंट क्या ये ये तक आ सकता है? What extent the question can ask? ये तीन चीज हमको पता चलता है, तो इसलिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है

व्हाट इंडक्शन पावर व्हाट इज कंडक्शन पावर व्हाट इज द ये क्वेश्चन नहीं पूछा क्या पूछा व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ए ऑटो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर का रॉन्ग एप्लीकेशन हम कहां पे अप्लाई करते ये क्वेश्चन ठीक है क्लियर हो गया तो व्हिच इज रॉन्ग एप्लीकेशन रॉन्ग एप्लीकेशन मतलब ये ऑटो ट्रांसफार्मर को हम कहां पे यूज नहीं करते दिस इज आल्सो क्वेश्चन नंबर 1 वेल्डिंग ट्रांसफार्मर नंबर 2 फर्नेस ट्रांसफार्मर नंबर थ्री टू गिव स्मॉल बूस्ट टू ए डिस्ट्रीब्यूशन केबल टू करेंट फॉर वोल्टेज ड्रप और नंबर फोर इंडक्शन मोटर स्टार्टर ठीक है तो ये चार पॉइंट को हम लोग पूरा डिटेल समझ के जाएंगे ठीक है पहला क्या है नंबर वन इज वेल्डिंग ट्रांसफार्मर ठीक है तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हम लोग को पता है वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज कर डिफेंशियल डिफेंसियल डीसी जनरेटर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं so हो गया? लेकिन ऑटो ट्रांसफॉर्मर हम लोग वेल्डिंग ट्रांसफर के लिए यूज नहीं करते नंबर वन पॉइंट नंबर टू पॉइंट क्या है व्हाट डू मीन द फर्नेस ट्रांसफार्मर फर्नेस ट्रांसफर क्या है ना आर्क फर्नेस दिस इज आल्सो कॉल्ड आर्क फर्नेस पावर ट्रांसफॉर ठीक है तो ये डिलीवर हाई करंट डिलीवर करने के लिए हाई करंट डिलीवर करने के लिए हमको यूज करते हैं जिससे हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड तक हंड्रेड टू बा टेन टू सॉरी टेन टू थ्री हंड्रेड के बी ए तक हम यूज करते हैं और हंड्रेड के बी ए इज मोर कॉमन ट्रांसफर ठीक है ये आपको जानना जरूरी है स्मॉल है? बूस्ट yes, देने के लिए हम लोग यूज करते दिस इज आल्सो ट्रांसफर और क्या है ना इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग करने के लिए बस दटिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर इज वन ऑफ द मेथड टू यूज ऑटो ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफर यूज करके हम लोग इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग कर सकते हैं ठीक है हो गया तो ये भी यूज कर सकते हैं ये भी यूज कर सकते हैं ये भी यूज कर सकते हैं तीनों यूज कर सकते हैं लेकिन वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर में हम लोग यूज नहीं कर सकते है। ठीक है बा ऑटो वेल्डिंग वेल्डिंग में welding में हम लोग ऑटो ट्रांसफर यूज नहीं दिस इज आल्सो को कंपाउंड डीसी मशीन हम लोग यूज करते हैं इन आर्क बा इन बा इन वेल्डिंग क्वेश्चन नंबर दो चलते क्वेश्चन नंबर दो क्या बोल रहे हैं वीच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा तो क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ रहा है ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन पार्ल टू लाइन ठीक है जब ट्रांसफॉर्मर दो ट्रांसफॉर्मर को जब हम पार्ल कनेक्शन करेंगे लाइन के साथ जब कनेक्शन होगा तो व्हाट इज द स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है सो दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट दिस इज आल्सो कॉलियर रॉन्ग स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल मतलब कौन सा ये करेक्ट नहीं है ठीक है नंबर वन द कॉस्ट ऑफ द स्पेयर्स विल बी इंप्रूव एन एक्स्ट्रा यूनिटी कनेक्टेड जो दो ट्रांसफॉर्मर को हम कनेक्शन करेंगे उसका स्पेयर कॉस्ट ऑफ द स्पेयर इंप्रूव होगा नंबर टू मैक्सिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अचीव हम लोग मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं नंबर थ्री पावर सप्लाई कैन ई मेंटेन इफ वन यूनिट फॉल्ट सपोज कोई यूनिटी फॉल्ट हो गया सपोज एक ट्रांसफॉर्मर प्रॉब्लम आ गया तो दूसरे दूसरी ट्रांसफार्मर क्या करेगा पावर को सप्लाई मेंटेन करके रखेगा एंड नंबर फोर्थ एडिशनल न्यूटिक कैन बी इंस्टॉल इफ लो डिमांड इट इज इंक्रीज यस ये चारों जो आंसर है इसमें कौन सा रॉन्ग आंसर है ठीक है तो पहले हम रॉन्ग आंसर को छोड़ देते हैं बाकी जाएंगे मैक्सिमम ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विज एच वी एस दू ट्रांसफर्म कनेक्टेड पार्लल दफिशियंसी शुड बी इंक्रीज नंबर वन नंबर टू पॉइंट क्या है सपोज कोई भी ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट आएगा तो दूसरी ट्रांसफॉर्मर वो मेन्टेन करेगा यस नंबर बी सी पॉइंट करेक्ट एंड नंबर डी क्या है सपोज

तीनों लैंग्वेज में हमने टाइप किया है तो आपको समझने के लिए सपोज कोई बंदा इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है तो आपको हिंदी समझ में आएगा हिंदी में समझ नहीं पा रहा है तो आप गुजरात में समझ सकते हैं ठीक है थीके? तो एग्जाम सीबीटी एग्जाम में टाइम में सपोज आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे ट्वेंटी टू लैंग्वेज अवेलेबल है तो कोई भी नेशनल लैंग्वेज आप क्लिक करके उसको अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे क्वेश्चन को आराम से समझ पाओगे तब जाके आंसर दे पाओगे नहीं तो आंसर दे नहीं पाओगे हो सकता है ठीक है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को व्च ऑफ वर्किंग सर्किट विच ऑफ वर्किंग सर्किट इज नॉट रिलेटेड टू दी थर्मल पावर प्लांट ये कौन सा सर्किट है थर्मल पावर प्लांट के लिए सुइटेबल नहीं है ठीक है बा ये लिंक नहीं है बा दिस इज नॉट लिंकिंग टू दि थर्मल सर्किट देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है जब हम थर्मल पावर प्लांट को जब हम जब एक्सप्लेन करते हैं थर्मल पावर प्लांट पा थर्मल पावर प्लांट का लेआउट डायग्राम को आपको समझना जरूरी है पहला हम लोग क्या करते हैं कहाँ से आस हैंडलिंग प्लांट कौन सा है बॉयलर है इकोनोमाइजर कहाँ पर हैटर कहाँ पे है ये सारे लोग हम लोग को देखते थे लेकिन अभी वो नहीं पूछ रहा है ठीक है ना टोटल थर्मल पावर प्लांट को हमने चार सर्किट में डिवाइड किया ठीक है वन इज द एस हैंडलिंग सर्किट था ना तो ऐसे करके चार सर्किट में हम लोग को डिवाइड किया ये चार सर्किट के अंदर

connecting to the connecting the starter terminal of the induction motor in series and supply either ac or dc voltage across the two terminal this produces a static field in the starter winding they gives

टू टाइप्स वन इज ए टू लीड कनेक्शन एंड ऑदर इज आल को थ्री लीड कनेक्शन ठीक है ये छोटा मोटा चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है जब टू लीड कनेक्शन बोलते हैं हम लोग कैसे कनेक्शन करते हैं टू लीडी कनेक्शन को ए कैपेसिटी यूज करते डिस सप्लाई यूज करते हैं सो दिस आल्सो को लेर डेल्टा डिसो को डेल्टा कनेक्शन दिसे टू लीड सप्लाई ठीक है डिसो को टू लीड सप्लाई ठीक है क्लियर हो गया तो ऐसे ही हम लोग तूल बाद, को टूल बा दिस इज आल्सो को टू लीड सप्लाई कोई भी टू लीड है ना सो so, दिस इज आल्सो इधर हो सकता है दिस इज टू लीड सिमिलर थ्री लीड कनेक्शन कैसे होगा थ्री लीड कनेक्शन होगा ऐसे so, सो दिस इज आल्सो को वी कैन ऐसे भी कनेक्शन हम लोग कर सकते हैं दिस इज थ्री लीड कनेक्शन ठीक है तो दिस इज ऑल आर द मैकेनिज्म टू द ब्रेकिंग इंडक्शन मोटर ठीक है तो हम लोग ये हमारा टॉपिक में नहीं आता हम लोग जो पढ़ते हैं तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है ठीक है तो हमारा जो टॉपिक है हम लोग जो नेचुरल जो टॉपिक पढ़ते हैं ऐसे इंडक्शन मोटर तो ब्रेकिंग नहीं पढ़ते दिस इज आल्सो इंडक्शन मोटर को हम थ्री मोड ऑफ द ब्रेकिंग पढ़ते थ्री मोड ऑफ द ऑपरेशन ब्रेकिंग ठीक है वन द मोटर मोटर मोड ऑफ ऑपरेशन जनरेटर मोड ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रेकिंग मोड ऑफ द ऑपरेशन हम लोग पढ़ते हैं लेकिन ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने ये क्वेश्चन नंबर चार

तो इसको ट्रांजेंट वोल्टेज को हमको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो चीज है वन इज का तो इंडक्टर और इधर कैपेसिटर ठीक है क्लियर हो गया तो चैप्टर में आया है दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन मोटर ठीक है ये डीसी ट्रैक्शन मोटर का एप्लीकेशन ठीक है डीसी ट्रैक्शन मोटर कौन सा कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है रिपल फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फिल्टर यूज कर सकते हैं कि नहीं चोक यूज कर सकते नहीं कैपेसिटर को पाल कनेक्शन कर सकते नहीं कैपेसिटर को सीरीज कनेक्शन कर सकते नहीं क्या है ये सारे चीज ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए क्वेश्चन को कॉमन क्वेश्चन नहीं है ये थोड़ा डीपली थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा पूछ रहा है है ठीक क्लियर हो गया क्लियर हो गया जो सिंपल जो डिप्लोमा बंदा करके आया है तो उसको ये पता नहीं चलेगा ये अरे कौन से टॉपिक में आया है ठीक है क्लियर हो गया तो इसलिए आपको थोरोली अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट होना आपको जरूरी है देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स बैटरीज आर दी मोस्ट एफिशियंट प्रिफर फॉर द इलेक्ट्रिकल वेहिकली कॉमन क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल वहीकिल हम लोग क्या करते हैं लिथियम आयरन बैटरी हम लोग यूज करते हैं दिस इज कॉमन क्वेश्चन तो दिस कॉमन टू ऑल इसलिए हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सात वट इज दिन सिक्वेंट रेजिस्टेंस एक्ट्री ट्वेंटी ओम

जो रेजिस्टेंस पूछा है वो पहले उसमें ओपन करना है

तो ये वोल्टेज सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स है इसको मैं सेट कर दिया ये करेंट सोर्स है इसको ओपन कर दिया और इसको मैंने ये करेंट सोर्स इसको ओपन कर दिया तो से, ये ए बी एक्स है मैंने को रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो गया तो दो तो दोनों सीरीज दोनों पार्लल जीरो ओम जीरो पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो टू ओम एंड जीरो पॉइंट जीरो वन ओमंडल एंड दिसन सीरीज आउट दी टोटल दोटल रेजिस्टेंस कैन कैलकुलेटर इक्वल टू फोर्टी बाई थ्री ओम ठीक है तो पहले क्या करना है जो ब्रांच में आपको पूछ रहा है वो ब्रांच को पहले ओपन करना है नंबर वन स्टेप नंबर वन पॉइंट पहला स्टेप सेकेंड स्टेप क्या है यदि सर्किट कंटेनिंग वोल्टेज सोर्स वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे नंबर थ्री यदि सर्किट बिल कंटेनिंग करेंट सोर्स उसको ओपन करना है नंबर फोर स्टेप क्या है और सीरीज पालल करके हमको इक्वल रेजिस्टेंस निकालना है एक्रॉस ए एन बी सो दिस इज आल्सो कॉल योर

उसके बीच में होगा ट्रांसमिशन पार्ट लास्ट में होगा डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट एंड पॉइंट कौन सा है डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट को मार के आएंगे लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट के अंदर और क्या क्या ऑप्शन दिया है पहले आपको ऑप्शन को जाना जरूरत है पहला क्वेश्चन क्या है सर्विस मैन दिया है, क्या है? क्या है? Point, grid substitution. Grid substitution, ये भी हो सकता है तो ये तो तीन नहीं करके, आप कोई आई टी आई करके डिप्लोमा किया होगा तो ये बंदे डायरेक्ट लिखा होगा नहीं सर्विस मैन इज द लास्ट पॉइंट ठीक है विच इज दॉर सिस्टम स्ट्रक्चर पावर सिस्टम स्ट्रक्चर का एंड पॉइंट क्या है जनरेशन so, जनरेशन हो गया So, ये हो गया ट्रांसमिशन पार्ट ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ठीक है जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट शुरू हो गया ये घर के लिए जाने के लिए एंड पॉइंट सर्विस मैन ये सर्विस मैन है ये एंड दिस इज आपका सर्विस मैन ठीक है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है ठीक है सो दिस इज पॉइंट ऑफ दी एंड पॉइंट ऑफ ए पावर सिस्टम स्ट्रक्चर का एंड पॉइंट कौन है सर्विस पॉइंट होता है ठीक है क्लियर हो गया तो ऐसे क्वेश्चन को आपको आराम से सोच समझ के आपको आंसर देना जरूरी है नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है ठीक है ये क्वेश्चन कहां से ये क्वेश्चन कहां से पिक आउट नहीं किया है समझ में आ रहा जो टाटा बा टीसीएस जो एग्जाम करता है कहां से पिकअप क्वेश्चन नहीं करता है ये ऑल आर दी कॉमन क्वेश्चन ठीक है ऑल आर दी कॉमन क्वेश्चन और आई क्यू बेस क्वेश्चन है ठीक है क्लियर हो गया तो इसके आपको सो समझकर सोच समझ करना जरूरी है इन जी सी एग्जाम क्वेश्चन नंबर नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन द प्राइमरी फोल प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी एंड हीट रिजेक्टेड एंड हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द प्रोसेस इज यूज टू जनरेट पावर थ्रो रिकवरी बॉयलर एंड द टर्बाइन जनरेटर इज नोन आज इसको हम क्या बोल देखो दिस थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन नंबर नौ देखो पहले मैं आपको बताता हूं 2019 में जैसे क्वेश्चन पूछा था इजी क्वेश्चन 2022 में इतना क्वेश्चन इजी नहीं है ठीक है ये जो क्वेश्चन नंबर नौ को हम लोग को दिमाग में घुसेगा नहीं ये कौन सा साइकिल यार पहली बार हम लोग देखा है बॉटमिंग साइकिल रिसाइकिलिंग स्टीम टर्बाइन टॉपिंग सिस्टम क्या है ये टॉपिंग साइकिल किया है ये तो हम लोग डिग्री में नहीं पढ़ा डिप्लोमा नहीं पढ़ा ये थोड़ा डीप डीपली गया है ठीक है डीप डीपली क्या है आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को होना जरूरी है देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ये कौन सा चैप्टर में आया है ये आया है थर्मल पावर प्लांट चैप्टर में आया है ठीक है थर्मल पावर प्लांट चैप्टर तो आया है लेकिन ये थोड़ा डीपली घुसा है ठीक है डीपली क्या घुसा? तो हमको सबको पता है थर्मल पावर प्लांट रेंकाइन हम लोग सबको पता है द थर्मल पावर प्लांट कौन सा प्रिंसिपल ऑपरेट करता है थर्मल पावर प्लांट ऑपरेट इन रेंकाइन साइकिल ठीक है लेकिन रेंकाइन ले दो प्रोसेस होता है ठीक हो है सो वन प्रोसेस को सी एंड ऑदर इज ऑल्सो गो डब्लू एच पी ठीक है सी एच पी कौन है दिस इज ए कम्बाइंड हीट एंड पावर ठीक है वन इज ऑल्सो कोलियर, सी एच पी वन इज ऑल्सो कोलियर सी एच पी दिस इज अ कम्बाइंड हीट एंड पावर एंड एंड ऑदर इज गो डब्लू एच पी अदर इज डब्ल्यू एच पी डब्लू एच पी मतलब क्या है सो दिस इज वेस्ट हीट टू पावर ठीक है तो सी एच पी क्या है दिस इज एंड पावर एंड पावर एंड डब्ल्यू एच पी क्या है दिस इज आल्सो वेस्ट हीट टू पावर ठीक है दिस इज वेस्ट हीट टू पावर ठीक है क्लियर हो गया जब हम वाटर हम लोग इनपुट देते हैं तो क्या करता है ना हीट होता है फिर उसके बाद हम लोग वाटर जो हम 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 वाटर किसको देते हैं बॉयल बॉयलर बॉयलर के अंदर क्या है हम लोग कोल भी डालते हैं कुछ कुछ वाटर भी डालता है तब जाके हीट प्रोड्यूस करके स्टीम प्रोड्यूस होता है ठीक है तो वही स्टीम को हम कूलिंग प्रोसेस में करके फिर कंबाइंड कंबाइंड हीट एंड वाटर हम लोग देते हैं दिसजाल को सी एच पी प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं सी एच पी प्रोसेस बोलते हैं ठीक है थीके? लेकिन बॉटमिंग साइकिल में सो दिस इज आल्सो को डब्ल्यू एच पी प्रोसेस वेस्ट हीट टू पावर दिस इज आल्सो ऑल्सो बॉटमिंग साइकिल वी कैन यूज दी होल दिस इज अ वेस्ट हीट पावर ठीक है

क्वेश्चन क्वेश्चन वेरी टू दी 2019 2019 में क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट इतना एप्लीकेशन नहीं पूछा था जो तो 2022 में एप्लीकेशन पूछा है ठीक है तो इसलिए हमको पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट आपको होना जरूरी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट मतलब क्या है सपोज हमने रैंकाइन साइकिल हो गया तो रैंकाइन साइकिल हो गया मतलब जब हम लोग क्या करते हैं व्हाट इज एप्लीकेशन हम लोग तो होकर जा रहा है ये कौन सा साइकिल में आल्सो कॉल योर दिस कंबाइंड हीट एंड पावर को यूज करता है कि वेस्ट हीट टू पावर यूज करता है सो दिस साइकिल आपको यूज रखना है साइकिल आपको जानना पड़ेगा कौन सा कौन साइकिल है दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइकिल सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा भी है और स्टूडेंट इसको जो बंदे इसको गलत किया है तो ठीक है हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वेहिकल मतलब क्या है तो टोयट ने हाइदर हाइडर एक नया गाड़ी प्रोड्यूस किया है हाइदर आपको पता है टोयट का तो उसमें क्या है बोथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल वो पेट्रोल भी चल सकता है और इलेक्ट्रिकल भी चल सकता है दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रिक व्हीकल बोलते हैं हम दिस इज आल्सो हाइड्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग बोलते हैं जिससे कॉमन क्वेश्चन है इस इस आपका आई क्यू यूज करके भी उसको यूज कर सकते हैं ठीक है देन क्वेश्चन नंबर ग्यारह को हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या है ना विच टाइप विच टाइप ऑफ द एक्साइटेशन इज यूज टू मेजर द वेब लेंथ स्पेक्ट्रम स्पीड एंड पोलराइजेशन ठीक है स्पेक्ट्रम हेट एंड पोलराइजेशन कौन सा टाइप ऑफ द एक्साइटेशन वो इज मेजर द वेव वेवलेंथ लेंथ को मेजर कर पाएगा स्पेक्ट्रम स्पीड को ही मेजर कर पाएगा और पोलराइजेशन को भी मेजर कर पाएगा उसका हम कौन सा दिया? देखो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मेटेरियल चैप्टर से ठीक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेटेरियल चैप्टर से आया है डिफ्रेंट आई एन एक्ट पोलराइजेशन ठीक है लेकिन सपोज आपको ये क्वेश्चन पता नहीं आप अपना आई क्यू यूज करें भी ये क्वेश्चन को आप कर सकते हो ठीक है कैसे मैं कर रहा हूं क्वेश्चन कैसे सपोज आपको कोई क्वेश्चन का तो आंसर कर करने के लिए हम क्या यूज वेब लेंथ लामा स्पेक्ट्रम का स्पीड स्पेक्ट्रम मतलब क्या है इंटर स्पेक्ट्रम मतलब रॉ इन द रे रे बोलते स्पेक्ट्रम इंटर स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, polarization, polarization the the तो नहीं होगा द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो सेंसर नहीं होगा कोई थर्मल सेंसर थर्मल में क्या हीट है हम लोग मेजर कर सकते हैं बायोलॉजिकल सेंसर तो नहीं होगा लेकिन आप अपने आई को लोग आकर ऑप्टिक ऑप्टिक मतलब क्या है ऑप्टिकल सेंसर होगा हाँ ऑप्टिकल सेंसर यूज करके बा कोई भी ट्रांसड्यूसर ऑप्टिकल बा पीजो ट्रांसड्यूसर यूज करके हम लोग ये सब चीज मेजर कर सकते हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन इधर आया है मेजरमेंट चैप्टर में ठीक है तो इसलिए ये क्वेश्चन को अपना आई यूज करके भी इसको क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं ठीक है ये भी आउट ऑफ कंटेस्ट है माइंड एयर ये भी कोई डिप्लॉ स्टूडेंट ये क्वेश्चन को आराम से कर नहीं पाएगा ठीक है हमने जितना क्वेश्चन आपको बता रहा है सो तो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा पर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा इसमें रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा रट्टा अब लगाओगे तो अभी होगा नहीं ठीक है क्वेश्चन नंबर बारह की हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बारह क्या है व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ द सोलर कलेक्टर बॉइलिंग द बॉयलिंग अप टू 80 डिग्री द बॉयलिंग अप टू 80 सोलर कलेक्टर देखो ये सोलर कलेक्टर और द सोलर पावर प्लांट दिस टू आर द डिफरेंट ठीक है सोलर पावर प्लांट हम लोग लो क्या करते हैं पीवी एरे यूज करते हैं सन का रोशनी का यूज करके सन का रे को यूज करके हम लोग क्या करते हैं वो कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दिस को सोलर पावर प्लांट लेकिन सोलर कलेक्टर क्या है

इसको पूरा इलाबोरेट करके हम लोग पढ़ाया है और अभी अभी सोलर पावर प्लांट हम लोग को इलाबोरेट करके पढ़ाया है अभी सोलर कलेक्टर एक अलग चैप्टर है सोलर कलेक्टर उसके बारे में हम लोग को इलाबोरेट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप दी सोलर कलेक्टर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे लेकिन ये क्वेश्चन आया है ये सोलर कलेक्टर बारे में ठीक है तो विज टाइप ऑफ द सोलार कलेक्टर बॉयलिंग द बॉयलर अप टू 80 डिग्री ठीक है दिस इज नॉट 100 डिग्री अप टू 80 टू 90 डिग्री तक जाता है तो टाइप ऑफ द कलेक्टर देखिए ट्रायंगल ट्राइंगल प्लेट सोलर कलेक्टर सिलेंड्रिकल पाराबोलिक कंसेंट्रेटर कलेक्टर फ्लैट प्लेट सोलार कलेक्टर और रेक्टेंगुलर प्लेट सोलार कलेक्टर ठीक है ये सोलार कलेक्टर यूज करके बा डिफरेंट सोलार एंगल और सोलार कुक बा सोलार एंगल बा इंक्लाइनेशन बा सोलार पैनल यूज करके आपने देखा होगा सी साइज संस्था जो है जो सी डी साइज संस्था जो है साई बाबा का जो सी साइज संस्था है ये जो कुक है जो पर डे मिनिमम दस हजार लोग खाना खाते हैं मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट में तो उसमें सारे सोलर पैनल लगा हुआ है सोलार कलेक्टर लगा हुआ है जो कुकिंग का ऊपर किचन किचन रूम के ऊपर ठीक है क्लियर हो गया तो ये क्या है अप टू तो जो फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर है वो अप टू तो 80 डिग्री तक आपको करेगा क्योंकि दिस इज फ्लैट फ्लैट ये टाइप ऑफ दी कलेक्टर होता है और मैक्सिमम क्या है रेडिएशन क्या करता है ना दिस इज दिशा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाता है ऑल द मैक्सिमम लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कर्व कारबोर्ड वाला दिस इज सिलेंडर कल दिस इज एल्सोकोलर ट्यूब टाइप हम ट्यूब टाइप हम लोग कलेक्टर यूज करते हैं जाकि जाकि तो मैक्सिमम रे नॉट रिफ्लेक्टेड ठीक है तो इसलिए 80 डिग्री तक हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर को गर्म कर सकते हैं 80 डिग्री तक बॉयल अप टू दिस इज आल्सो कलर फ्लैट प्लेट सोलर टाइप दी कलेक्टर में ठीक है तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डीपली आया है ये क्वेश्चन भी डीपली आया है ये क्वेश्चन भी हमको गला हम लोग हमेशा गलत करके आएंगे छोड़ भी सकते हैं ठीक है तो इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन ठीक है न, तो दो का जो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है थोड़ा डीपली पूछा है तो आप लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे ठीक है क्लियर हो गया देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह को

एंड सेकंड इज ग्रुप टू नंबर इज ग्रुप थ्री एंड नंबर फोर्थ इज ग्रुप फोर चारों ग्रुप में हमको डिवाइड किया है क्या है वेक्टर ग्रुप को क्या है थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का जो वेक्टर डायग्राम है जो वेक्टर ग्रुप है हम उसको चारों पार्ट में डिवाइड किया वन इज ग्रुप वन सेकंड इज आल्सो ग्रुप टू थर्ड इज आल्सो ग्रुप थ्री एंड फोर्थ इज आल्सो ग्रुप फोर ठीक है ग्रुप वन में क्या है जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट ग्रुप वन में क्या है जीरो फेज डिस्प्लेसमेंट ठीक है ग्रुप टू में क्या है वन ए डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट ग्रुप थ्री क्या है थर्टी डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट ठीक है एंड ग्रोर इज आल्सो को थर्टी डिग्री ग्रुप थ्री में थर्टी डिग्री फेज क्या है वाई डी स्टार डेल्टा वन सपोज वन में रहेगा दिस इज थर्टी डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रुप नंबर फोर में क्या है थर्टी डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट लेकिन उसमें वाई डी इलेवन इलेवन में रहेगा सो दिस इज आल्सो ऑल्सो योर दिस इज आल्सो ग्रुप फोर ठीक है ग्रुप वन में क्या है दिस इज आल्सो ऑल्सो योर जीरो फेज सिक्वेंसि जीरो फेज सिक्वेंस ठीक है क्लियर हो गया एंड ग्रुप टू में क्या है वन एट डिग्री देखो ऐसे कैसे पता चलेगा ये कौन सा तो लिखा है ना वन एटी फिर ग्रुप टू ग्रुप टू मतलब कैसे होगा ग्रुप टू मतलब स्टार डेल्टा छ मतलब क्या है सो दिस इज ए दिस इज ए क्लर्क बारह ये छ ये तीन ये नौ तो दिस इज ऑल्सो कॉल वन एटी फेज डिस्पेशन सो देो वाइड इज स्टार प्राइमरी स्टार सेकंड इज स्टार एंड फेज डिस्प्रेशन इज वन एट डिग्री सो दिस इज़ स्टार स्टार ठीक है क्लियर हो गया क्लियर हो गया सो दिस वन एट डिग्री फेज सिफ क्लियर सिमिलरली थर्ड डिग्री फेज डिस्प्रेशन होगा तो कैसे होगा एक में होगा सो दिस इज थर्टी डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट ठीक है सो ग्यारह में होगा सो दिस इज आल्सो कॉल थर्ट डिग्री फेज डिस्प्लेस ठीक है तो हम लोग ये जब ग्रुप पढ़ेंगे थ्री फेज ट्रांसफर तब ये लोग इलाबोरेट करके डिस्कशन करेंगे ठीक है देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौदह वी चैम दी तो स्टेटमेंट गिवेन दी रॉन्ग रिलेटेड टू दी मॉडुलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम देखो तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूछा है कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूछा है तो मोडुलेशन कम्युनिकेशन में क्या है व्हाट डू मीन बाय दी मॉडुलेशन मॉडुलेशन मतलब क्या है नॉट ए मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन हो गया मोडुलट मतलब क्या है मिक्सिंग नहीं है मोडुलट मतलब दो फ्रिक्वेंसी वन द कैरियर फ्रीक्वेंसी ठीक है और कैरियर फ्रिक्वेंसी क्या करें ए फ्रिक्वेंसी दूसरा फ्रिक्वेंसी को लेके चलेगा तो उसमें क्या होगा मल्टीप्लेक्स भी हो सकता है कम्युनिकेशन का डिस्टेंस भी बढ़ा सकता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडियो फ्रिक्वेंसी कैरियर फ्रिक्वेंसी वॉइस को हम लोग इंप्रूवमेंट कर सकते हैं म्यूजिक को अच्छा से सुन सकते हैं पिक्चरों को देख सकते हैं डाटा को आराम से रिप्लाई कर सकते हैं तो इसीलिए ये जो कम्युनिकेशन बा कॉम्युनिकेशन जो मॉड्यूलेशन है मिनिमम तीन टाइप का मॉड्यूलेशन हम लोग पढ़ते हैं वन इज क एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सेकंड इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड थर्ड इज कॉल्ड द फेज मॉड्यूलेशन दैट इज ए फेज एंड अप्प्लीचुड मोड्यशन अपलिचुड को हम लोग स्ट्रेंथ करेंगे सो दिस इज मॉड्यूलेशन ठीक है तो ये मतलब नहीं है हम उसको क्या करेंगे ना मिक्सिंग कर देंगे ठीक है दिस इज नॉट ए मिक्सिंग ऑफ द मेन सिग्नल ऑफ द अदर सिग्नल टू द मेन सिग्नल दिस इज मॉड्यूलेशन नॉट ए मॉड्यूलेशन नॉट ए मिक्सिंग ऑफ द सिग्नल ठीक है तो व्हिच अमंग स्टेटमेंट रॉन्ग रॉन्ग मतलब मोडुलेशन मतलब ये नहीं मिक्सिंग हो जाएगा सो दिस इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट ठीक है तो मिक्स मोडुलेशन मतलब क्या है मोडुलेशन मतलब उसका स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है आपको एक सिग्नल लेके जाएगा जिसे कैरियर फ्रिक्वेंस सिग्नल हम बोलते हैं तो मोडुलेशन में क्या होगा सपोज मैं आपको बोल रहा हूं मेरा वॉयस जो बोल रहा हूं आपको जो सुनाई दे रहा है दिस दिस इज वन टाइप ऑफ आल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड मोडुलेशन हो सकता है इधर फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन हो सकता है इधर फेज मॉडुलेशन हो सकता है ठीक है ये सारे चीज हमको वेस्टिजियल बैंड क्या है ये सारे चीज हम लोग को उसको इलाबोरेट टाइप का आइडिया आपको ये चैप्टर में मिलना जरूरत है लेकिन इसको आप रट्टा मारोगे तो नहीं होंगे देखो कौन सी प्रकार क्वेश्चन रट्टा क्वेश्चन नहीं है ऑल द क्वेश्चन आर द कॉमन क्वेश्चन आपको क्या होगा इसके अंदर आपको आइडिया होना चाहिए मोडुलेशन क्या है एम्पलिचरी मॉडुलेशन क्या है फ्रीक्वेंसी मोडुलेशन क्या है फेज मोडुलेशन क्या है मोडुलेशन है, है क्या आपको मोडलेशन डाटा सारे रट्टा मार्क है फॉर्मला फॉर्मला क्वेश्चन रट्टा आप जाओगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे आपको लिबरली उसके ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह क्वेश्चन नंबर पंद्रह इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ए वेरी हार्ड क्वेश्चन ठीक है बेरी हार्ड क्वेश्चन मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, है कहाँ पे आएगा पी एल सी चैप्टर से आया है देखो कितना कितना ऑजब क्वेश्चन पूछा है और कितना डीफ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है ठीक है हो गया तो विच पी एल सी सॉफ्टवेयर इज सपोर्टेड लाड़ा लॉजिक एस टी एल एंड स्ट्रक्चर टेस्ट टाइप ऑफ दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है तो आपको प, पहले पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को आपको आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए पूरा पी का ब्रीफ आइडिया आपको आना चाहिए प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर क्या क्या है हार्डवेयर क्या क्या है उसका एच आई मी क्या ह्यूमन मैशी इंटरफेस क्या है ये सारे चीज आपको पता होना चाहिए तब जाके क्वेश्चन दे सकते हो नहीं तो क्वेश्चन आप दे नहीं सकते ठीक है क्लियर हो गया तो पहले हम लोग चलते हैं ये जो हम सॉफ्टवेयर है पी है सी का ये चार सॉफ्टवेयर है मैक्सिमम वन इज कॉ विन प्रो लाडर उसको विन प्रो लाडर बोलते जैसे माइक्रो लाडर और दी वन इज को दिन प्रो लाडर एंड सेकंड इज आई ट्रिलोगी आई ट्रिलोगी एंड थर्ड इज ऑल्सो कॉलो डब्ल्यू पी एल सॉफ्ट

आपको ये सब डाटा पूरा डिटेल आपको जाना पड़ेगा तब जाके ये क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हो नहीं तो पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन को हम लोग आंसर दे नहीं सकते ये दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है देखो सपोज प्रो निस होगा सपोज प्रो सॉफ्टवेयर होगा ये इंडो को भी इंडो और लाडार, इंडो, लाडार इंडो और लाडार लॉजिक को भी सपोर्ट कर सकता है ठीक है क्लियर हो गया सिमिलरली आई ट्रिलोगी जब होगा ये क्या करेगा उडार प्रीलॉजिक लाडार सपोर्ट कर सकता है ठीक है लेकिन डब्ल्यू जो सॉफ्टवेयर है वो क्या एडवांस सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा आपको विंडो को भी सपोर्ट करेगा लाडार लॉजिक को भी सपोर्ट करेगा एस को सपोर्ट करेगा टेस्ट को भी सपोर्ट करेगा ऑल दी डॉक्यूमेंट को ऑल दी जितना हार्डवेयर है व जितना नया फंक्शन है विंडोज है ये सबको ये सपोर्ट करेगा सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दिस इज डब्लू पी एल सॉफ्टवेयर ठीक है सिमिलरली जो माइक्रो लाडार है ये क्या करे विंडो लाडा लॉजिक एनसी सी प्रोग्रामिंग एनसी सी प्रोग्रामिंग की ये सपोर्ट करेगा कौन दिस इज आल्सो कॉल माइक्रो लाडा ठीक है तो ये सारे सॉफ्टवेयर यार ये डिप्लोमा वाला स्टूडेंट ये कैसे आंसर दे पाएगा ठीक है ये सारे को पीएलसी का हार्डवेयर क्या है पीएलसी का सॉफ्टवेयर क्या है पीएलसी में कौन सा कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं पीएलसी किसको सपोर्ट करता है पीएलसी का एड्रेस बस क्या है पीएलसी का ह्यूमन मैशी एंट्री क्या है पीएलसी का हार्डवेयर क्या है ये सारे चीज आपको जानने के बाद ही ये आंसर को आप आंसर कर सकते हो नहीं तो ये डिफिकल्ट है आंसर दे नहीं पाओगे ठीक है क्लियर हो गया देन हम चलते क्वेश्चन नंबर सोलह को चलते क्वेश्चन नंबर सोलह क्या है इन थ्री इन थ्री फेज आलटाइफ वन कंप्लीट इन वन कंप्लीट रिबुलसन टू कंप्लीट पॉजिटिव नगटेट पलसाइकल दिन टू फोर ठीक है ये सिंपल क्वेश्चन वन हाइकल दो टू हाफ टू साइकिल इक्वल टू फोर ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सत्रह को हम लोग जाएंगे दिस इज आल्सो कॉल सिंपल क्वेश्चन आई की क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रिवॉल्विंग माइंड फील्ड प्रोडक्शन ऑफ रिवॉल्विंग माइंड फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इंडक्शन मोटर में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है बा कौन सा पार्ट सपोर्ट द स्टार्टर नेचुरली जब हम थ्री फेज सप्लाई देंगे द स्टार्टर विल कंसिस्ट थ्री फेज सप्लाई द स्टार एदर डेल्टा और एदर स्टार एंड वी कैन पुट

फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ द रिवॉल्विंग माइंड ठीक है ये सिंपल क्वेश्चन है ठीक है देन हम चलते हैं फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डीसी ड्राइव ठीक है दिस इज डी सी देव हमने दो क्वेश्चन पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो डीसी ड्राइव्स में क्वेश्चन हमेशा आता है ठीक है तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डीसी ड्राइव ये डीसी ड्राइव्स का कौन सा ये पार्ट नहीं है ठीक है फील्ड सप्लाई यूनिट डीसी सप्लाई यूनिट

नॉट ए पार द डिसम करना क्या डिसी ड्राइव मतलब क्या है हम लोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए डिसी मोटर को स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ते हैं सो दैट एप्लीकेशन इज आल्सो को डिसी ड्राइव्स ठीक है कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म यूज करके हम डिसी मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं सो दिस इज आल्सो को ड्राइव सिस्टम और इसको क्या बोलते हैं ड्राइव सिस्टम बोलते हैं जब ड्राइव सिस्टम लोग करते हैं फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करते हैं दिस इज आल्सो को ए सी सी में वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ठीक है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वी एफ डी वी एफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम बोलते हैं एसी मोटर में ठीक है क्लियर हो गया तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डीसी ड्राइव देखो ये क्वेश्चन आप थोड़ा आपका आईक्यू यूज करके भी यूज कर सकते हैं देखो डीसी मोटर में डीसी द फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो ठीक है तो फील्ड सप्लाई तो होगा डीसी सप्लाई भी होगा uh -huh. कर सकते हैं स्पीड को रेगुलेशन कर सकते डीसी मोटर यूज करते हैं डीसी मोटर इज मोर टू कंट्रोल द स्पीड टू दी मशीन ठीक है तो लेकिन फ्रिक्वेंसी कंट्रोट नहीं है डीसी ड्राइव से वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव हम यूज करते हैं कहां पे एसी hmm. मोटर में ठीक है क्लियर होगा सो so, ये आईक्यू यूज कर भी क्वेश्चन को आप

और दिस इज्सो को ट्यूबुलर हम लोग क्या करते हैं ट्यूबुलर बोलते हैं ठीक है ये ट्यूबुलर यूज करके हम लोग टाइट कर सकते हैं ठीक है क्लियर हो गया यह सिंपल क्वेश्चन है ये हमने आपका 20 क्वेश्चन हम लोग यूज किया 20 क्वेश्चन मैंने आपका सोल्व किया ठीक है तो 20 क्वेश्चन जो सामने सॉल्व किया देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना हेक्सा की है कि स्पैनर है कि क्ला हमर है चिजल है ये सारे चीज आपको आपको ध्यान देना जरूरी है देन क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग चलते हैं व्हिच रिएक्शन व्हिच रिएक्शन कैन प्रोड्यूसिंग दी कंबस्टिबल गैस फ्रॉम द गाय दिस इज आल्सो को थर्मो रिएक्शन दिस नॉट इलेक्ट्रोमेकैनिकल एक्सट्रैक्शन बायोलॉजिकल कंबर्शन जिससे बायोलॉजिकल कंबक्शन अलग थिंग है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अलग है लेकिन थर्मोकेमिकल रिएक्शन कम्बक्शन ऑफ द गैस कंबक्शन ऑफ द गैस मतलब कम्बक्स टाइल मतलब दिस इज एमोलि केमिकल रिएक्शन ठीक है क्लियर हो गया लाइट इज फॉर्म देश रेडिएटर द बॉडी एंड ह्यूमन आई इज कैपेबल दिस इमेजिनरी ये हुईनारीट्रोम वेरी आईक्यू क्वेश्चन ठीक है क्लियर हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 23 ट्वेंटी द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एग्जांपल ऑफ द सब्सटेंस यूज प्रोड्यूस द बायो एनर्जी बायो एनर्जी दिस दिसरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बायोमास पावर प्लांट के ऊपर ये फोकस कर रहा है ज्यादा सोलर पावर प्लांट और बायोमास पावर को ज्यादा फोकस कर रहा है ये क्वेश्चन 2023-2022 वाला क्वेश्चन 2023 से 24 में जो आने वाला है एग्जाम 2024 में जो दो का वैकेंसी आएगा इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको आएगा. तो तो एक है, तो क्या, आपको कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है एक ओवरऑल आइडिया आपको आना जरूरी है आपके सामने बाईस क्वेश्चन सॉल्व किया ट्वेंटी क्वेश्चन सॉल्व किया ट्वेंटी सोल्व कंक्लूजन क्या पहुंचा दे कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन तो नहीं है नंबर वन नंबर टू कोई भी कॉमन कॉमन क्वेश्चन है आईक्यू क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है आईक्यू क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सब्जेक्ट को अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है सपोज आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं हो गए तो इनकमिंग 2024 का एग्जाम आप क्रैक कर नहीं पाओगे ठीक है क्लियर होगा तो इसलिए सपोज ऐसे ही आपको समझना है तो ऐसे ही आप एग्जाम करना चाहते हो एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो जॉइन आवर इनकमिंग दो हजार तेईस डिप्लोमा बैच इलेक्ट्रिकल डिप्लॉमे हाई लेवल टिकट जैकि फोर ट्रिपल नाइन का उसका कॉस्ट है आप दो इंस्टॉल में पेमेंट कर भी आप पढ़ सकते हो तो मैं आपका क्लास ले रहा हूँ और दूसरी साल भी आपका क्लास ले रहा है यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन सक्सेस और यू कैन फुलफिल योर ड्रीम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो